हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। अब जो बचे हुए आपके करंट अफेयर्स हैं वो भी फटाफट से देख लेते हैं। मैं डेली आपको 10 टॉप 10 जो करंट अफेयर्स हैं वो बताऊंगा। इतना ज़रूर करके जाइए, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके सीजीएल के लिए। और प्लीज़ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेस्ट कॉन्टेंट आपका बनाया हुआ है। तो देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। भारत के नए सैन्य प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 353वां प्रकाश उत्सव किस सिख गुरु से संबंधित है? तो ये आपका गुरु गोविंद सिंह से है। आयरलैंड के मुख्यमंत्री कौन है? लियो वराडकर। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा हिरासत केंद्र कहाँ पे है? तो ये आपका अमेरिका में हो गया। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिरासत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है आपका भारत। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? तो इसका जो आरंभ है वो गुरु अंगद ने किया था। उसके बाद देखिए, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने। और खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला देख लेते हैं आपका, 3 तारीख का, सॉरी। देखिए, डेफ एक्सपो 2020 कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है लखनऊ। पार्टिकल्स फिल्म के निर्देशक कौन है? ब्लेज हैरिसन। वर्तमान में टाइगर की संख्या कितनी है? 2976। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 129वां। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP25 का आयोजन कहाँ पे हुआ? स्पेन में हुआ। बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश आर्द्रता आवश्यक नहीं है, तो कौन आवश्यक नहीं है आपका? प्रकाश आवश्यक नहीं है, अंकुरित कहीं भी हो सकते हैं विदाउट लाइट। कीवी किस देश की मुख्यतः पक्षी है? न्यूजीलैंड। उसके बाद देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रैफ्लीसिया। ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है, रैफ्लीसिया। नेत्रदान में आँख किस भाग को ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो इसका आंसर है कॉर्निया। नेको में ए जो है वो उसकी फुल फॉर्म बतानी है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विश्व पुष्प पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। काला पानी सीमा मुद्दा मुख्यतः किन दो देशों से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है भारत और नेपाल, काला पानी सीमा मुद्दा। गिनी बिसाउ में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? उमारो सिस्को एम्बालो, ठीक है। गिनी बिसाउ में राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो किसने जीता है? गिनी बिसाउ, तो ये है उमारो सिस्को एम्बालो। भारत का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? तो यह है आपका तमिलनाडु में। आगे है, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गुवाहाटी। गिनी बिसाउ किस महासागर के तट पर है? तो यह है अटलांटिक। देश का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। कौन सा जीव में रक्त नहीं होता लेकिन वे सांस लेते हैं? तो हाइड्रा। मिशन इंद्रधनुष जो है वो किससे संबंधित है? तो यह आपका टीका वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है। नील क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी है ब्लू रिवॉल्यूशन, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड। नेक्स्ट देखिएगा, G7 आर्थिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजन किया जाएगा? अमेरिका में। चर्चित GV971 क्या है? चर्चित GV971 ये है अल्जाइमर की दवा। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग किस देश से संबंधित है? टर्की। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक का है? 2022 तक। फिर मेरी याद के जो लेखक हैं वो कौन है? कुमार विश्वास। उसके बाद देखिए, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? सभी को पता है, जिम्नास्टिक्स। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है किस झील से होता है? तो मानसरोवर झील हो गया। पंचायत समिति का आदिवासी अधिकारी और शासन प्रमुख जो है वो कौन होता है जो आपकी पंचायत समिति है? तो ये प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है वो इसका आदिशासी अधिकारी और शासन प्रमुख होता है। बोरी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोरी, तो यह है MP में। हृदय किस उत्तक का बना होता है? पेशी उत्तक का जो है वो बना होता है। आगे देखिए, ग्लोबल प्रोडिजी अवार्ड 2020 किसे दिया गया? तो ये दिया गया सुचेता सतीश को। मानव टक्कर किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। आयतल्ला अली खोमेनी किस देश का सर्वोच्च नेता है? ईरान। विश्व ब्रेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस तो यह मनाया जाता है 4 जनवरी को। हाल ही में प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? नेहा दीक्षित। नेत्रहीन
लोगों को पढ़ने के साथ साथ लिखने में मदद किस भाषा द्वारा जाती है, किस भाषा द्वारा जाती है? ब्रेल। ब्रेल भाषा का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। मछली श्वसन किस अंग द्वारा लेती है? तो गलफड़ों से, ठीक है, गिल्स, GISS, गिल्स। हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? जलीय पौधों को। कपास का मुख्य घटक कौन सा होता है? सेल्यूलोज या फिर वसा? तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। आगे देखिए, भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित है? विज्ञान कांग्रेस, तो यह बेंगलुरु में। कृष्ण पट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल, तो यह अभी बताया था मैंने, इंग्लैंड। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली कब तक टोक्यो को पीछे छोड़कर विश्व का दूसरा बड़ा महानगर बन जाएगा? तो ये है आपका 2028। केंटो मोमेटा किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन। दक्कन का ताज किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किस व्यक्ति से संबंधित है? तो ये है दिलरस बानू बेगम। दिलरस बानू बेगम। और बीबी का मकबरा बनवाया किसने था? औरंगजेब ने। मायोपिया किस अंग का दोष है? तो ये आँख का है मायोपिया। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में उपयुक्त होता है क्योंकि यह किरण उत्सर्जित करता है। कौन सी किरण उत्सर्जित करता है? रेडियो, बेसिकली ये रेडिएशन थेरेपी में इसका यूज़ किया जाता है, चिकित्सा के लिए, सर्जरी वगैरह में हेल्प करता है। तो गामा रेज जो है वो एमिट करता है। आगे देखिए, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 22 अप्रैल 1969 में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2020 आयोजन कहाँ हो रहा है? अहमदाबाद। नसील अल बहर क्या है? भारत और ओमान के बीच नौसेना अभ्यास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह है नसीम अल बहर क्या है, ये भारत और ओमान के बीच जो नौसेना अभ्यास है उसका ये नाम है। नसीम अल बहर 2020 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इस पर गोवा में। 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में फिल्म को, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला? तो ये है सैम मेंडेस। 1917 के डायरेक्टर कौन है? तो 1917 के आपके डायरेक्टर हैं, सॉरी, फिफ्थ का है। 77वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड 2020 में किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला? तो ये 1917। 1917 के डायरेक्टर कौन है फिल्म के? सैम मेंडेस। अहमदाबाद किस नदी के किनारे हैं? सभी को पता है, साबरमती। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 24 अप्रैल को। और उसके बाद देखिए, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है? माउंट विंसन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जितने भी आपके पर्वत शिखर के नाम पूछे जाएंगे आपको अलग अलग महाद्वीप के, तो वो आपको ज़रूर करने हैं। इवन जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और वहाँ की जो टॉप वहाँ पे शिखर हैं, ठीक है, सर्वोच्च पर्वत शिखर हैं, उनको भी आपको, जैसे नेपाल का माउंट एवरेस्ट हो गया, इस तरह से आपको चाइना का करना है, ये आप ज़रूर करिएगा। हंगरी टाइड के लेखक कौन है? तो हंगरी टाइड के लेखक हैं आपके अमिताभ घोष। उसके बाद देखिए, चर्चित एनआरसी जो है वो कितने राज्यों में लागू है? तो यह है असम, एक असम में, ठीक है। स्टॉकहोम वाइट प्राइस 2019 किसे दिया गया? तो ये दिया गया जैकी किंग को। मिस अर्थ 2019 कौन है? तो ये है आपकी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस अर्थ 2019, तो यह नेलीज पिमेल्टन पिमेल पिमेंटल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु। डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हीमा दास को। ट्राइग्लिसराइड वसा खनिज क्या है? क्या है मतलब, वसा है या खनिज है? तो ये बेसिकली फैट ही है, और ये कम होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल से भी ज़्यादा खतरनाक है ये कम होना चाहिए जब आप ब्लड में टेस्ट करवाते हो कि कोई आपकी जो वेन है हार्ट की उसमें कोई क्लोगिंग वगैरह ना हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कई बार बढ़ जाता है, तो उसमें ट्राइग्लिसरीड बहुत कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसरीड ज़्यादा है तो मतलब खतरा है। 1 ग्राम वसा प्रोटीन के पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिकतम ऊर्जा किससे मुक्त होता है? तो वसा से। 1 ग्राम वसा से पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा जो है वो मुक्त होता है? 9.3। अलसी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है फैटी एसिड, जो आपकी अलसी होती है। उष्मा एक्सरे को विकृत करता है कि नहीं, ठीक है, हीट जो है वो।
करता है, ठीक है, एक्सरे को ये रेडिएट विकृत करता है। आगे देखिए, किन देश में 42 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है? क्यूबा। क्यूबा के प्रधानमंत्री अब कौन है? मैनुअल मोरेरो। आरबीआई कितने महीने के अंतराल पर मौद्रिक नीति जो है वो जारी करता है? तो आरबीआई करता है आपका 2 महीने बाद जो है वो मौद्रिक नीति जारी जो है वो करता है। उसके बाद देखिए, निपाह क्या है? एक वायरस ही है, ठीक है, ये आपका निपाह वायरस जो है वो केरला में फैला था उसके चमगादड़ों से। आगे देखिए, एक जिला एक उत्पाद किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश। मानव शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य सभी को पता ही होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। विश्व मधुमेह दिवस, ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। तपेदिक का कारण क्या है? बैक्टीरिया या फिर वायरस? ये बैक्टीरिया की वजह से होता है आपका। इबोला क्या है? एक वायरस ही है। पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। आगे देखिए, एक विश्व कप क्रिकेट में 5 शतक बनाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन है? रोहित शर्मा। लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बना? 31 अक्टूबर 2019। देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 9। फिनलैंड का प्रधानमंत्री सना मरीन। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये आपका अमिताभ बच्चन है। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिच, ठीक है। फिनलैंड के प्रधानमंत्री इंपोर्टेंट है सना मरीन। विटामिन कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं? कार्बनिक। यकृत व मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन। मनुष्य के जीवन में दांत दो बार विकसित होते हैं? कितने दांत दो बार विकसित होते हैं? 20। इराक की संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 10 जनवरी। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी। मिलन 2020 क्या है? नौसैनिक अभ्यास इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित होगा? विशाखापट्टनम। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कितना है? 84वां। कच्चे फल को पकाने हेतु किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, सभी को पता ही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। 2020 में भारत का स्थान 84वां है। भ्रूण किससे बनता है? भ्रूण बनता है बीज से। बायो डीजल पौधा है? जेट्रोफा। बायो डीजल जेट्रोफा पौधा है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया? ये आपका आंध्र प्रदेश में लगाया गया। और भारत में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू से। प्लेटलेट सभी को पता है। ये देखिए, मनी ऐप को किसने लॉन्च किया? आरबीआई। सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किस देश ने 2020 में प्रतिबंध लगाया है? लाऊ। ईरान के राष्ट्रपति पूछा है, और उससे पहले संसद और उसके नाम देख लेना आप, ईरान और इराक के संसद के नाम। ईरान के राष्ट्रपति हैं आपके हसन रूहानी। ईरान के राष्ट्रपति। मिशन पूर्वोदय कहाँ है? तो मिशन पूर्वोदय आपके क्या है, ये पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछे हैं, तो यूक्रेन का राष्ट्रपति है आपका व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, वोलोदिमिर जेलेंस्की। स्टील हब कैपिटल के रूप में किस देश को, किस शहर को 2020 में विकसित किया जाएगा? कोलकाता। पलाऊ किस महासागर तट पर है? पलाऊ, जो कि ईरान के राष्ट्रपति, सॉरी, ये संस्कृत में इस्तेमाल पर जिस देश ने प्रतिबंध लगाया है पलाऊ, और वो किस महासागर तट पर है? तो ये है आपका प्रशांत महासागर। ओमान के नए सुल्तान कौन है? हैसम बिन तारिक, नए सुल्तान। मारो फिरंगी को किसने का नारा जो है वो किसने दिया? तो यह मंगल पांडे ने दिया। इंडिया डिवाइडेड के लेखक का नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।